भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की और तमाम भारत के नागरिकों ने एक ही बार में मोदी के संदेश को आदेश की तरह पालन करते हुए हर भारतीय एकजुट होकर एकता दिखाते हुए देश हित में देशवासियों ने आने वाली आपदा से निपटने के लिए पीएम मोदी का संदेश और एक साथ पूरे देश ने एक साथ ताली बजाई। किसी ने थाली तो किसी ने शंख बजाया। वहीं बता दें कि किसी ने नगाड़े बजाए तो किसी ने ढोल बजाए, किसी ने अजान पुकारी तो किसी ने दुआएं। ऐसे हम भारतीय ऐसी मुसीबतों के वक्त में कोई भी अलग नहीं है। सभी देश प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। यहाँ हर व्यक्ति अपने भेदभाव को नजरअंदाज करके देश में भयानक वायरस कोरोना से लड़ने के लिए सभी ने सतर्कता दिखाते हुए सभी आगे आए। वहीं बड़े नेता हो या फिर छोटे, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या शिवराज सिंह चौहान या फिल्म अभिनेता सलमान खान हो, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया। और जब भी कोई ऐसी भयानक आपदा आई हो, सब ने साथ मिलकर इसका हल निकाला है। और इसी तरह भारत की एकजुटता दिखाते हुए हर आफत से लड़ने के लिए इंडिया आज तैयार है। न्यूज इंडिया 9 खंडवा से फरीद मंसूरी की रिपोर्ट। मित्रों, आज सारा देश कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने में लगा हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था जनता कर्फ्यू का, वो कर्फ्यू पूरी तरह से सफल है। और 5 बजे उन्होंने आह्वान किया था उनके लिए जो अपनी जान हथेली पर लेकर हमारी सुरक्षा में लगे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, जवान हो अलग अलग सुरक्षा वालों के, पुलिस सहित, चाहे पत्रकार मित्र हो जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए थाली बजाएं, नाद करें। आज हमने भी वो ताली और थाली बजाकर उन सब का अभिनंदन किया है। आइए उनका हौसला भी बढ़ाएं और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हम भी अपने घरों के बाहर ना जाएं, घर पर बैठकर ही काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जाने बच रही हैं, सैकड़ों जाने बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ही, प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू।